नमस्कार सर, आपका हमारे इस हॉस्टल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं परिचय देना चाहूँगी पहले डॉक्टर आर के अस्थाना जी का। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और हमारे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के लिए जून से शुरू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जी पूछिए। जैसे कि पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक पद्धति किस सिद्धांत पर काम करती है? आयुर्वेद मूल रूप से एक चिकित्सा विज्ञान है, केवल पद्धति नहीं बल्कि एक चिकित्सा विज्ञान है जो धात, दोष, अग्नि इन चार चीजों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि सम दोष है समाग निष्ठ, सम धात मल प्रिय, प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। जैसे दोष वात पित्त कफ, इन जो दोष हैं इन अपनी सामने अवस्था में इनको रहना चाहिए, और धातु रस रक्त अस्थ मज्जा शुक्र और अग्नि भूख हमको पर्याप्त लगनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मन प्रसन्न हो और इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हों तो हम ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। फिजिकल और मेंटल दोनों एनर्जीज बैलेंस। सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और अब एक सवाल हमारा है आपसे कि पंचकर्म क्या है जी, इसमें किस किस बीमारियां इस पंचकर्म के द्वारा ठीक की जा सकती है? जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि पंचकर्म क्या है। जैसा कि नाम से ही पक्के से मुख्य औषधि प्रथम औषधि माना गया है, तो आज के वैज्ञानिक दौर में ये भी जैसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसर्चेज आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि हमको कितनी मात्रा में किस तरीके का भोजन लेना चाहिए, हमको जो है कितना प्रोटीन चाहिए, हमको विटामिन्स कितनी चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए और फैट कितना चाहिए। जैसे हम बहुत ज़्यादा अगर फैट का प्रयोग कर ले रहे हैं तो हमारे ये हार्ट की बीमारियां और बहुत सारी ओबेसिटी, तो बैलेंस डाइट पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे अक्सर कि आप क्या सोचते हैं जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं जी, ये इनका कितना रोल है हमारे को बीमार बनाने में? जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हमारे समाज में इस उपयोग में आ रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल वीडिसाइड्स ये जो होते हैं, यह कहीं न कहीं हिडन म्यूटेशन का और कैंसर का ही रिएजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और ये जैसे एक बार हमने इनका छिड़काव कर दिया सब्जियों में तो वह सब्जियों के साथ हमारे शरीर में जा रहा है, फिर वह मिट्टी में जा रहा है, फिर बारिश के बाद जो है वह जल में चला जा रहा है, फिर जल से होते हुए फिर वापस जो है पशुओं में आ रहा है, फिर पशुओं से होते हुए फिर हमारे शरीर में आ जा रहा है। एक तरीके का एक साइकिल चल रही है जो कंटिन्यूअस पशुओं से लेकर के हमारे शरीर तक जो है अत्यधिक मात्रा में बार बार थोड़ा थोड़ा होते होते यह बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच रही है। धन्यवाद आपका कि आपने सभी जानकारी दी। धन्यवाद, हम आपको बहुत आभारी हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब के अथक प्रयासों से जो उन्होंने सब सीखा है अपने जीवन में और हमारे मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा और वो एक सफल और सुखी जीवन, निरोगी जीवन जी पाएंगे। मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग के साथ